हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी पैकेट के अंदर रखे हुए इसी LG G8X स्मार्टफोन के चार्जर के लिए, जो यहाँ पर इसके बॉक्स के अंदर तो आप जानते ही होंगे कि मैंने इसको परचेज़ किया था 20,000 रुपये का, बट इसके अंदर हमको चार्जर नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने इस वेबसाइट की तरफ देखा और तब जाकर मैंने इसको परचेज़ कर लिया। फिलहाल आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट करके भी पूछा कि क्या हमको इस वेबसाइट से जाकर अपने चार्जर को परचेज़ करना चाहिए कि नहीं, क्या ये जेन्युइन चार्जर है या फेक है, सारा कुछ आपको पता चलेगा और कितना वाटेज देता है, सब कुछ मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या इस पैकेट के अंदर हमको चार्जर ही रखा हुआ मिलता है या कुछ और, क्योंकि अभी तक मैंने इसके पैक को ओपन नहीं किया है, तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यह भी बताऊंगा कि आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इसका LG G8X ThinQ स्मार्टफोन का बहुत ही जल्द मैं एक शॉर्ट टर्म रिव्यू लेकर आने वाला हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो यहां पर अब मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को इसकी अनबॉक्सिंग के साथ, और साथ ही साथ मैं इसको चार्ज करके भी दिखाऊंगा इस LG G8X स्मार्टफोन के साथ कि ये एक्चुअली में कंपैटिबल है भी कि नहीं, और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये जो चार्जर है वो जेन्युइन है या फेक है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। तो पहले आप इसकी अनबॉक्सिंग को एंजॉय कीजिए, फिर उसके बाद मैं इसके चार्जिंग स्पीड को भी आपको दिखाता हूं। तो ये लीजिए इसका अनबॉक्सिंग वीडियो। ये है यहाँ पर LG G8X के लिए चार्जर, जिसको मैंने परचेज किया है chargingcable.in से। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका है ये कस्टमर सपोर्ट नंबर, तो आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, इनको कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं कि इसके लिए यानी कि LG G8X के लिए या किसी भी और कंपनी का चार्जर इनके पास अवेलेबल है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पर हम जल्दी से इसके बॉक्स को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर बस इसके पॉलीथीन को यहाँ से कट लगाना पड़ेगा। अब ये चार्जर है या फेक, इसके बारे में आपको आगे बता दूंगा, बट यहां पर जानना यह जरूरी है कि यह चार्जर एक्चुअली में ओरिजिनल है भी कि नहीं, और इसके अंदर हमको क्या कुछ रखा हुआ देखने को मिलता है। तो यहां से मैंने दो कट लगा दिए हैं और अब यहां पर मैं इसको ओपन कर देता हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये है LG G8X का चार्जर। तो अब यहां पर मुझे इसको ओपन करना है, मुझे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो रहा है, बट यहाँ पर मैं इसको आपके सामने ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअली में ओरिजिनल है भी कि नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको रखा हुआ मिल जाता है USB A टू USB टाइप C का केबल, और ये जो केबल है उसकी क्वालिटी बहुत ही चीप लग रही है, यानी कि ये जो केबल है वो बहुत ही पुराना है, और ये मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये LG का जेन्युइन यहाँ पर ये केबल है, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। मुझे यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी था वो था ये जो है यहाँ पर LG का चार्जर। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ। एक चीज़ आपने नोटिस किया कि नहीं कि ये जो यहाँ पर आपको पिन मिल रहा है वो यहाँ पर ये यूरोपियन पिन दे रहे हैं, यानी कि ये इंडियन पिन नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है इसके वाटेज की। तो जैसा कि आप इसका वाटेज यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो वाटेज है यहाँ पर बताया गया है, और ये 100% मैं आपको बता दूँ कि ये जो चार्जर है वो कहीं से भी इंडियन चार्जर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, और यहाँ पर आपको ये जो भाषाएं देखने को मिल रही है ये आई थिंक ये मेरे हिसाब से ये रशियन लैंग्वेज है। तो इसको मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कहीं से भी इंडियन चार्जर नहीं है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। बट यहाँ पर ये जो चार्जर है वो मुझे जेन्युइन लग रहा है, ये और LG का ही चार्जर मुझे दिख रहा है, और ये जो चार्जर है वो थोड़ा सा ब्रांड न्यू भी दिख रहा है। तो अब यहाँ पर बारी आती है इसको टेस्ट करने की। फिलहाल ये जो यहाँ पर केबल आपको दिया जा रहा है ये बिल्कुल ही चीप क्वालिटी का है, इस पर आप बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके बॉक्स के अंदर आपको जो केबल दी जाती है का ही उपयोग करें। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये है यहाँ पर LG के साथ LG G8X के साथ मिला हुआ ये ओरिजिनल सा USB टाइप सी का कनेक्टर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ये जो है वो फेक प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर चीप काम किया गया है। मुझे यहाँ पर इस वेबसाइट से यही उम्मीद थी कि ये जो प्रोडक्ट भेजेंगे वो फेक ही होगा, तो आई थिंक ये चार्जर फेक ना निकले, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो वाटेज वगैरह बताया जा रहा है वो सब कुछ सही है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो LG का एल्गोरिदम है 9 वोल्ट इंटू 1.8 एम्पियर आपको यहाँ पर जो वाटेज दिखाया जा रहा है, यानी कि 16.2
2 वाट का ये चार्जिंग सपोर्ट देता है। तो अब बारी आती है इस LG G8X के साथ इसको टेस्ट करने की। तो अब यहाँ पर मैं जो इस LG G8X के साथ जो ओरिजिनल केबल मिला हुआ है मैं उसी को यहाँ पर टेस्ट करूँगा ताकि जो भी टेस्ट हो वो फेयर तरीके से तो हो। चलिए मैं फटाफट से इसको प्लग इन करता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे के स्टेप्स को बताता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली में फास्ट चार्जर भी है कि नहीं, क्या सिर्फ ये नाम का चार्जर है, काम का ये चार्जर है कि नहीं, सब कुछ आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको प्लग इन कर दिया है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से चार्ज लगाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरा स्मार्टफोन है वो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का आइकन दिखा रहा है, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये 1 मिनट में इसको फुल चार्ज कर देगा। तो अब यहाँ पर ये देख कर लगता है कि ये फास्ट चार्जर है। और मैंने और कई सारे चार्जर से इसको टेस्ट किया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे मेरे पास है यहां पर ये 20 वाट का वूक चार्जर जो कि मेरे Realme X के साथ यूज़ होता है, और ये है Samsung का 15 वाट वाला फास्ट चार्जर जो कि मैं Samsung Galaxy Note 9 को चार्ज करने के लिए यूज़ करता हूं, और ये है यहां पर Asus ROG Phone 3 का चार्जर जो मैं यहाँ जो कि है यहां पर ये Qualcomm क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करता है। तो यहां पर मैंने तीनों ही चार्जर से टेस्ट किए। मैं यहां पर आपको सभी चार्जर से प्लग करके दिखा देता हूं कि एक्चुअली में ये जो चार्जर है वो इसके लिए है भी कि नहीं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चार्जर होता है तो क्या आपको इस चार्जर की तरफ जाना चाहिए, या आपके पास जो ये चार्जर पड़े हुए हैं उनसे ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए, आपको मैं आगे दिखाता हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने इसके चार्जर से आपको दिखा दिया। तो अब यहाँ पर बारी है इसके Asus वाले से चार्ज करने की। तो यहां पर मैं इसको भी यहां से प्लग इन कर देता हूं, और यहां पर मैं इसको जी हाँ, आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये फास्ट चार्जिंग का आइकन दिखा रहा है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी अनटिल 1 मिनट फुल चार्ज दिखा रहा है, बट यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि ये 30 वाट की आउटपुट को देता है। तो यहाँ पर मैं तो नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप इससे चार्ज करें, क्योंकि जो LG का एल्गोरिदम है वो कहता है कि आप ऐसे ही चार्जर से इसको चार्ज कीजिए जो कि 16.2 यानी 16.2 वाट के आउटपुट को देते हों। तो जैसा कि आप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरे पास सैमसंग का चार्जर पड़ा हुआ है मैं इससे अगर इसको चार्ज करता हूँ, जबकि यहाँ पर ये 15 वाट के आउटपुट को देता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो मैंने यहाँ पर जैसे ही इसको प्लग इन किया तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चार्जिंग का आइकन दिखा रहा है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये 1 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का आइकन नहीं दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर बारी है इस वूक 20 वाट के चार्जर से इसको चार्ज करने की। तो जैसा कि आपको यहाँ पर मैं दिखाऊँ गाइज, ये यहाँ पर इससे डायरेक्ट मैं इसको नहीं लगा सकता, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको लगा कर फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे मैं इसके केबल को जैसे ही यहाँ पर लगाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सिर्फ यहाँ पर चार्जिंग का आइकन आ रहा है। तो ये कुल मिलाकर अब मैं आपको बताऊँ तो ये जो चार्जर है वो मुझे जेन्युइन तो नहीं लग रहा है कहीं से भी, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप इस चार्जर को जाकर परचेज करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी बिल वारंटी वगैरह मुझे कुछ भी नहीं मिली। इस पैकेट के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो मुझे यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला, कोई भी वारंटी मैनुअल नहीं मिला है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसी ऐसी किसी फेक वेबसाइट पर जाकर ऐसे किसी चार्जर को परचेज करें। और मैंने इसको जब बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया तो मुझे जाकर पता चला कि ये Alibaba.com पर मिल रहा था। कुल मिलाकर ये 100 रुपये का अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो बल्क में आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, ये 100 रुपये का आपको एक पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ तो ये LG G8X का ही चार्जर है, लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं, इस चार्जर को परचेस कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप चाहें तो वेट करके आप जाएं सर्विस सेंटर पे, वहाँ से जाकर चार्जर को परचेस कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा सिवाय इसके कि आप यहाँ से इसको परचेस करें। तो कुल मिलाकर मेरा यहाँ पर क्या कंक्लूजन है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट करके आप सर्विस सेंटर पर जाकर परचेस कीजिए, वहाँ पर आपको जेन्युइन चार्जर मिलेगा। अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे किसी वेबसाइट पर जाकर ऐसे किसी चार्जर को परचेस कर सकते हैं। हालांकि ये जो चार्जर है मुझे यहाँ पर ये LG G8X का ही चार्जर लग रहा है। तो अब यहाँ पर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्या आप ऐसे किसी चार्जर को परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से मैंने आपको बता दिया कि अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कीजिए, अदरवाइज़ आप जाइए इसकी तरफ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर बहुत ही जल्द इस LG G8X ThinQ की रिव्यू वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। फिलहाल इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी चल रही है और काफ़ी कुछ इससे
जिससे मैंने मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे भी ये कई गुना आगे निकला। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको रिव्यू वीडियो में कवर कर दूंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।